इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर अमेठी से है, जहां 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली प्रारंभ हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली। जिला प्रशासन के द्वारा भर्ती में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को रोकने की समुचित व्यवस्था की गई। अमेठी तहसील में कुल 4 जगह पर अभ्यर्थियों को रोकने के लिए बिस्तर, पानी और शौचालय की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। अमेठी उप जिला अधिकारी प्रीति तिवारी के द्वारा देर शाम अभ्यर्थियों के रात्रि विश्राम के स्थल रैन बसेरा नगर पंचायत का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी बच्चों से पूछताछ भी की गई कि किसी प्रकार की सुविधा तो नहीं हो रही। वहीं उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने बताया कि अमेठी में कुल 4 जगह पर अग्निवीर भर्ती रैली में आने वाले अभ्यर्थियों को रोकने की व्यवस्था की गई। बच्चों को ठंड से बचने के लिए रेन बसेरे में बिस्तर, पानी और शौचालय की व्यवस्था दी गई है। बच्चों को रात्रि विश्राम के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न हो, इसलिए खास दिशा निर्देश दिए गए और हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। कहीं पर कोई असुविधा न होने पर इसके लिए शिफ्ट वाइज चौकीदारों की नियुक्ति की गई, लाइट की भी व्यवस्था की गई। अग्निवीर भर्ती में कुल लगभग 10,000 बच्चों का आना सुनिश्चित हुआ। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या नाम है आपका और किस जनपद से आए हैं? जी सर, मेरा नाम रवि प्रताप सिंह है, मैं बस्ती जिले से आया हूँ। आज यहाँ पे रुके हैं और कल अग्निवीर भर्ती है, ऐसे में यहाँ पे क्या किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है? सर, यहाँ पे व्यवस्था सर अभी तक जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं देखा हूँ, एक भर्ती मैंने पिछली बार देखी थी, उसमें ऐसा कहीं नहीं था, मतलब बच्चे नीचे ही लेट के सोया करते थे, अपना चद्दर उद्दर जो लाए रहते थे। यहाँ अमेठी में आने के बाद ये देखने को मिला है सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ की, मतलब SDM मैम भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जाँच करके गई हैं सारा, मतलब व्यवस्था, रजाई गद्दे का व्यवस्था है हम लोगों के सोने के लिए, और बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, ऐसा मतलब पहले कहीं नहीं देखा हमने। मैम, अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है कल से, सुबह से, और ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्था की गई और ये आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया? अग्निवीर भर्ती हमारे यहाँ हो रही है 19 से 29 तारीख तक। इसके लिए कई जनपद, 13 जनपदों से विद्यार्थी आए हुए हैं। कल बल्कि मध्य रात्रि से ही इनका ट्रेनिंग के लिए, इनके एग्ज़ाम के लिए ये इनका रवाना होना शुरू हो जाएगा। बट रात्रि स्टे के लिए हमने ये इंश्योर किया कि 4 रैन बसेरे जो कि अलग अलग लोकेशंस पे है, उनको साइनेज के माध्यम से, बस अड्डे से ही साइनेज लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ इनको हॉल्ट करना है, और टॉयलेट एंड अदर फैसिलिटीज़, जैसे रात्रि है और ठंडी के दिन है तो गद्दा, रजाई एटसेट्रा सब इंश्योर रहे और साफ़ सफाई रहे, इसकी हमने, इसका निरीक्षण हुआ आज, और लगभग चीज़ें ठीक थी। कुछ कमियां जो हैं उसको अब हम अभी इंश्योर कराएंगे कि वो ठीक हो जाए। क्या नाम है आपको भाई, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम श्याम त्रिपाठी है, मैं संत कबीर नगर जनपद से आया हूँ। आज 29, कल 29 तारीख को यहाँ अमेठी में क्लर्क का भर्ती होने वाला है। ऐसे में आप लोग रैन बसेरे में रुके हैं, कैसी व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है और प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, कैसे? जी, यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, और यहाँ की जो प्रशासन है, अभी SDM मैम भी आई थी दौरे पे और वो यहाँ का निरीक्षण करके गई हैं। जैसे यहाँ की व्यवस्था है वो बहुत ही रेयर केस में मिलती है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ के पर अभ्यर्थियों को दी जा रही है, और मैं और जितने भी आने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है उतनी अच्छा शायद ही कहीं पर देखने को मिले। इसके पहले भी आपने भर्ती देखी है अन्य जनपदों में, तो क्या ऐसी व्यवस्था कहीं पर मिली आपको? जी, रेयर केस में कहीं मिली है, कहीं कहीं पे सर ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो क्या कहेंगे अमेठी प्रशासन के लिए, क्या कहेंगे? सर, अमेठी प्रशासन बहुत ही अच्छी तरीके से अभ्यर्थियों का स्वागत कर रहा है, हम तहे दिल से सभी अभ्यर्थी अमेठी प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।